हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं हूँ आपका दोस्त डॉक्टर अलियन मरकुरैशी और आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ कंसल्टेंट में। दोस्तों, आज हम CBC के बारे में, कंप्लीट ब्लड काउंट, जो कि हमारे ब्लड में से हम ये CBC का टेस्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये CBC टेस्ट क्यों करते हैं, इसके कंपोनेंट्स क्या है, इसमें क्या क्या देखा जाता है और इससे क्या क्या तरीके की तकलीफ या बीमारियाँ हमको समझ सकते हैं, इसके बारे में हम आज डिटेल जानकारी लेंगे। फ्रेंड्स, आप ये CBC का वीडियो एक बार देखेंगे तो अपने दिमाग में ये कंप्लीट ब्लड काउंट का पिक्चर जो है आप बता लें। फ्रेंड्स, तो CBC में हम क्या क्या देखते हैं फ्रेंड्स, उसमें देखते हैं हम नंबर 1 HB, नंबर 2 WBC और नंबर 3 प्लेटलेट। फ्रेंड्स, जैसे कि आप ये पिक्चर में एक रिपोर्ट देख रहे हैं, इस रिपोर्ट को मैंने ब्लर किया हुआ है, मतलब इसमें जो पेशेंट का नाम है वो नाम मैंने छुपा दिया है फ्रेंड्स। और इसमें आपको कुछ चीज़ें दिख रहे हैं, जैसा कि इसमें WBC दिख रहा है, HB दिख रहा है, प्लेटलेट्स दिख रहा है, लिम्फोसाइट्स दिख रहे हैं, ईसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और इसमें CBC मतलब RBC भी आपको दिख रहा है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, जब भी हम CBC की बात करेंगे या कंप्लीट ब्लड काउंट की बात करेंगे तो हम ये वहाँ पे कंप्लीट ब्लड काउंट का जब पिक्चर देखते हैं तो नंबर 1 वहाँ पे कंसेप्ट देखते हैं हम ये। तो फ्रेंड्स, सब में पहले बात करते हैं HB की। HB जो है फीमेल्स में 12 पॉइंट से 14 पॉइंट होता है और मेल्स में 14 से 16 पॉइंट तक ये HB होता है। अगर दोस्तों ये HB 12 से कम हो या 10 से कम हो तो उसे हम एनीमिया कहते हैं। अब HB के बाद हम देखेंगे WBC। फ्रेंड्स, WBC जो है नॉर्मल WBC का रेंज जो है 4000 से 11000 होता है। अगर 11000 से ज़्यादा WBC बढ़ जाए तो उस कंडीशन को हम फ्रेंड्स इन्फेक्शन कहते हैं। दोस्तों, सब में इम्पॉर्टेंट पार्ट CBC के रिपोर्ट में देखा जाता है प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स एक आधे व्यक्ति के जो है 1.5 लाख से 4.5 लाख तक होना चाहिए। अगर आप इस रिपोर्ट को गौर से देखेंगे फ्रेंड्स तो इसमें प्लेटलेट है 91000, मतलब इस कंडीशन को हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। अब दोस्तों, ये देखना चाहिए कि ये प्लेटलेट्स क्यों कम हुए हैं। अगर पेशेंट में फीवर है तो फीवर के हिसाब से हमें उसके आगे के टेस्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों, फीवर अगर है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है, तो हमें 3-4 फीवर का हमारे दिमाग में सोचना चाहिए। नंबर 1 मलेरिया है क्या, नंबर 2 टाइफाइड है क्या, नंबर 3 डेंगू है क्या और कोई अन्य फीवर है क्या। दोस्तों, हमें अगर इतने कम प्लेटलेट्स हैं 91000 तो मेरे हिसाब में सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट जो है वो हमें डेंगू कर लेना चाहिए फ्रेंड्स। डेंगू कर लेना चाहिए और अगर डेंगू निगेटिव है तो मलेरिया और टाइफाइड भी हम कर सकते हैं फ्रेंड्स। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रेंड्स, CBC में अगर प्लेटलेट कम है तो डेंगू करना है। अगर डेंगू निगेटिव है तो हमें डरने की गरज नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि डेंगू जो है ये ट्रीटमेंट के लिए थोड़ा हार्ड है एज़ कम्पेयर टू मलेरिया और टाइफाइड। तो दोस्तों, ये CBC में जैसा मैं बताया, HB, WBC और प्लेटलेट, ये 3 इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। इसके बाद CBC में और देखा जाता है RBC कितने हैं और 5th पॉइंट इसमें देखा जाता है ईसिनोफिल्स पड़े हैं क्या, जिसे हम ईसिनोफीलिया कहते हैं फ्रेंड्स। कभी कभी एलर्जी या सर्दी खांसी के पेशेंट्स में भी जो ईसिनोफिल्स बढ़ते हैं उसे हम ईसिनोफीलिया कहते हैं, तो उसका भी ट्रीटमेंट हमें अलग से दिया जा सकता है। तो ये CBC का इम्पॉर्टेंट टेस्ट, होप दोस्तों आपको समझ में आया। तो एट लास्ट मैं आपको एक ही बात कहूँगा फ्रेंड्स, अगर फीवर है तो नंबर 1 टेस्ट हमारे दिमाग में CBC ही आना चाहिए। पेशेंट हो, डॉक्टर हो, आपको अगर फीवर है 2-3 दिन का तो आपने सब में पहले CBC करें, CBC में प्लेटलेट करें, प्लेटलेट कम है तो डेंगू, टाइफाइड, मलेरिया आप करें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।